हाय, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ और वो है सॉइल मिक्सचर। ये किसी भी प्लांट की बेसिक नीड होती है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ हमारे जो पॉट्स हैं उनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? पॉट्स की मिट्टी बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब करे और मॉइस्चर को होल्ड भी करे, प्लस एक्सेस वाटर को ड्रेन करे, मतलब जितना भी एक्सेस वाटर है वो पॉट्स के होल से निकाल दे। फॉर एग्जांपल, मेरे इस पॉट में नॉर्मल सॉइल है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और जब भी मैं इसमें पानी देती हूँ ये मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि ये एक चिकनी मिट्टी है। इसमें ना तो पानी जल्दी अंदर जाता है और ना ही एयर पास होती है। पानी और हवा दोनों का रूट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है वरना प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इसलिए मिट्टी पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए। इस टाइप की मिट्टी को पोरस बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सैंड या कोकोपीट किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, बट एग्जैक्टली कितना ऐड करना है वो मैटर करता है। अगर सैंड थोड़ी भी ज़्यादा हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि सैंड बहुत ड्राई होती है, वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती है। कोकोपीट अगर आप यूज़ करते हैं तो ड्रेनेज एंड मॉइस्चर दोनों मेंटेन रहेगा, बट विंटर में अगर एक बार ओवर वाटरिंग हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सुदीप्ति, तुमने तो अपने सारे वीडियोस में जितने भी सॉइल मिक्सचर रेडी किए हैं सब में कोकोपीट यूज़ किया है। बिल्कुल यूज़ किया है क्योंकि वो गर्मी के लिए रेडी हो रहा था। अभी हम विंटर के लिए सॉइल मिक्सचर रेडी कर रहे हैं तो मैं कोकोपीट को अवॉइड करूँगी। अब मैं आपको एक ऐसा मिक्सचर बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट है, आप वेजिटेबल, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग किसी भी तरीके के आउटडोर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ तीन चीज़ों से बना है, सॉयल, कंपोस्ट और सैंड। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल रोड साइड वाली मिट्टी ली है और इसे क्लीन किया है। मैं 6 बार मिट्टी ले रही हूँ, मतलब मैंने 6 खुरपी मिट्टी ली है। अब जितनी भी सॉइल है उसका आधा कंपोस्ट लेना है, तो मैंने 6 बार सॉइल ली थी तो मैं 3 बार कंपोस्ट लूँगी। कंपोस्ट में आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, बट इसे लेना बहुत ज़रूरी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंपोस्ट काफ़ी स्पंजी होता है, ये मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देता है, मतलब टाइट नहीं होने देता है, और इसमें मॉइस्चर बहुत सारा होता है प्लस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ थर्ड इज सैंड। जितना भी कंपोस्ट है उसका 1/4 आपको सैंड लेना है। मैंने कंपोस्ट 3 बार लिया है तो सैंड मैं आधे से थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी। सैंड बस इतनी होनी चाहिए कि आपको अलग से वो दिखाई ना दे। आप चाहे तो कंपोस्ट और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, परफेक्ट है, तो आप थोड़ा कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये मिक्सचर रेडी हो गया है और मेरे पास एक अपराजिता की सीडलिंग है जिसे मुझे रिपॉट करना था, तो मैं अभी रिपॉट करूँगी और इसमें यही वाला अपना सॉइल मिक्सचर ऐड करूँगी। आप जब भी पहली बार पानी दीजिएगा बहुत धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में दीजिएगा। पहली बार हम जब भी मिट्टी को पानी देते हैं तो वह एब्जॉर्ब करने में और ड्रेन करने में काफ़ी टाइम लेती है। इस पॉट में ओवरऑल पानी निकलने में टोटल 7 मिनट लगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं पानी डालूंगी तो हो सकता है कि 2 मिनट में ही पानी ड्रेन आउट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी निकल रहा है ना वो बिल्कुल फ्लो में नहीं निकल रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा निकल रहा है क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाला ही नहीं था जिससे कि ओवर वाटरिंग ना हो। हो सकता है कि आपके पॉट्स में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ओवर वाटरिंग मत होने दीजिए क्योंकि एक्सेस वाटर तो निकल जाता है लेकिन जो अंदर की मिट्टी जो ज़्यादा गीली हो गई है ना उसे सूखने में टाइम लगता है। तो हमने अपना मिक्सचर रेडी कर लिया है 6:3:1/2 के रेशियो में। आप ऐसे यूज़ करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी विंटर्स में। और एक चीज़ और है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जब आप पानी डालते हो तो 2 मिनट में ड्रेन हो जाना चाहिए या 5 मिनट में ड्रेन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके पॉट के साइज़ पे, प्लस आपकी जो सॉइल है उसकी कैसी क्वालिटी है। दिस वॉज ऑल अबाउट सॉइल मिक्सचर एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू समथिंग। पीपल आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, वो प्लांट्स खरीद के ला रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उनकी पिक्स शेयर करते हैं, कुछ क्वेरीज पूछते हैं, आई लव दैट। अगर आप चाहें तो आप भी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वॉइस ऑफ प्लांट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ
एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.